स्क्रीन शेयर हो गया। स्क्रीन यस शेयर। मैम। ओके। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे थे, है ना? तो उसका कुछ क्वेश्चन मेरा देने का बात था। ठीक है, अभी करवाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट जो होता है उसे भी आज करेंगे। तो एक बार इसे ही कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। देखो, जैसे हम ऑप्शन नहीं दे रहे, तुम लोग मुझे बताना क्या होगा, ठीक है? जैसे मान लो मास, ये हो जाएगा किलोग्राम। मेजरमेंट अगर मास में करना है तो यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, उस तरह से अगर मेजरमेंट करना है टाइम का तो यूनिट क्या होगा? बताओ। हम ऑप्शन नहीं दे रहे, ऐसे ही पूछ रहे, बताओ। मास में अगर हमें मेजरमेंट करना है तो वो किलोग्राम होगा या फिर ग्राम होगा? मैंने किलोग्राम लिखा है, किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है। अगर टाइम को मेजर करना है तो प्रोबेबल क्या यूनिट हो सकता है, बताओ। मतलब ये समझ में आ रहा है ना? देखो, ये क्या है, ये एक मेजरमेंट है, और ये क्या है, ये उसका यूनिट है। जैसे टेम्परेचर के लिए लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था ना कि थर्मोमीटर होता है, उसी तरह से मास का किलोग्राम हो गया, तो टाइम का क्या होगा, बताओ। मैम अगर उस आवर। हाँ आवर हो सकता है, या फिर अब ऑप्शन में जो रहेगा, या फिर क्या हो सकता है, तीन मेजरमेंट हो सकता है, बताओ। आवर हो सकता है और मिनट एंड सेकंड। मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है? मिनट्स और सेकंड। अब जो रहेगा हमारे पास ऑप्शन में वही लिखेंगे, ठीक है? ये हम अब बिना ऑप्शन के ये वाला बता रहे, ठीक है? जैसे ये देखो, मेल फीमेल, हमें क्या करना है, हमें दो जो डेटा है उसमें रिलेशन समझना है, उसमें सिमिलैरिटीज समझना है। जैसे ये मेजरमेंट था, ये उसका यूनिट था। अच्छा, मेल और फीमेल बता रहे, ये क्या चीज समझा रहा है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक, ये जेंडर बता रहा है, लेकिन ऑपोजिट है। देखो मतलब क्या बता रहा है, ऑपोजिट जेंडर बता रहा है, मेल होगा तो फीमेल, ठीक है? तो उसी तरह से मुझे बताओ कि अगर सन होगा तो क्या होगा, सन होने से क्या होगा? रिलेशन क्या है, ऑपोजिट है ना, रिलेशन क्या है, ऑपोजिट, मेल होने से फीमेल, तो सन होने से क्या होगा, डॉक्टर डॉटर, करेक्ट, डॉटर। अच्छा, या फिर सोच लो, और एक एग्जाम्पल इसके साथ जोड़ रहे हैं, अगर सन होने से डॉटर होगा तो मान लो अगर है लेडी तो क्या हो जाएगा, लेडी होने से क्या होगा? अच्छा, लेडी लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बताओ लेडी होने से क्या होगा, जेम्स। जेंट्स या फिर जेंटलमैन भी बोल सकते हैं, जेंट्स भी बोल सकते हैं, जेंटलमैन भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा, हालांकि मुझे पहले जेंटलमैन लिखना चाहिए फिर लेडी, क्यों बताओ? सीक्वेंस देखो क्या है, मेल फीमेल, है ना, पहले पहले मेल है फिर फीमेल है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर सन दिया था तो डॉटर हो गया, तो यहाँ पर मुझे जेंटलमैन देना चाहिए था, तुम लोगों से पूछना चाहिए था, तो तुम लोगों से मुझे आंसर मिलना चाहिए था लेडी, ठीक है, मैंने ऑपोजिट लिख दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मान लो बुक बुक, और यहां पर देते हैं पेपर, इसमें रिलेशन बताओ, अब तुम लोग मुझे बताओ कि रिलेशन क्या है, बुक और पेपर में रिलेशन क्या है, बता सकते हो? बुक और पेपर में रिलेशन क्या है, बुक क्या है, पेपर से बुक बन सकता है, हाँ कि ना, बताओ। पेपर, यस मैम। हाँ, तो पेपर को हम लोग बोल सकते हैं रॉ मेटेरियल, पेपर को हम लोग रॉ मेटेरियल बोल सकते हैं, और बुक को हम लोग फिनिश गुड्स बोल सकते हैं, इसमें ये रिलेशन है। जैसे इसमें रिलेशन क्या था, इसमें रिलेशन था, जैसे देखो ये रिलेशन समझना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, ये था मेजरमेंट, ये था मेजरमेंट, ठीक है, और ये क्या था, उसका यूनिट, तो उसी हिसाब से हमें लिखना था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड था, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड, तो उस हिसाब से हम लोगों ने लिखा था, एंटोनिम्स बोलते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन था एंटोनिम्स। अच्छा, ये जो है देखो, ये रॉ मेटेरियल और फिनिश गुड्स वाला रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं तो तुम लोग बताओ,
शू, शू जो बन रहा है वो क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स. अब उसका रॉ मेटेरियल बताओ क्या हो सकता है, बताओ रॉ मेटेरियल क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचो. नॉर्मली किस टाइप का शूज जो है वो ज्यादा फेमस है बताओ. मैम लेदर. लेदर, लेदर, ठीक है, लेदर, रॉ मेटेरियल लेदर हो जाएगा. अच्छा और एक ठो पूछ लेते हैं, देखो जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी किस चीज से बनता है नॉर्मली. देखो वैसे बहुत सारा रॉ मेटेरियल होता है, सबसे पॉपुलर बता दो, मतलब जो एज ए रॉ मेटेरियल यूज होता है बहुत सारी चीजों का ज्वेलरी होता है. गोल्ड, 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 गोल्ड अगर ऑप्शन में रहे, गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बन सकता है या फिर सिल्वर से भी बन सकता है, तो फिर जो ऑप्शन में रहेगा. फिलहाल देखो गोल्ड ही ज्यादा दिमाग में आता है तो गोल्ड, ठीक है, ज्वेलरी का गोल्ड हो सकता है, बाकी हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अच्छा ये सब हो गया प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का एग्जांपल. अच्छा अब और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्टर और क्लिनिक, क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल, ठीक है, तो ये रिलेशन क्या बता रहा है, ये रिलेशन क्या बता रहा है बता सकते हो, ये क्या रिलेशन बता रहा है डॉक्टर और क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में रिलेशन क्या है बताओ. हॉस्पिटल में डॉक्टर रहता है तो डॉक्टर का काम करने का जगह कौन सा हो गया, उसका क्लिनिक या फिर उनका हॉस्पिटल, ठीक है, तो ये वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेस है, ठीक है, और ये कौन है, ये वर्कर, तो रिलेशन क्या है वर्कर और वर्क प्लेस का, ठीक है, रिलेशन है हमारा वर्कर और वर्क प्लेस का. अब इस हिसाब से हम तुम लोगों को पूछेंगे, ठीक है. अच्छा मैनेजर बताओ, मैनेजर कहाँ काम कर सकते हैं नॉर्मली, कौन से जगह पे जाके हम लोग बोलते हैं कि मैनेजर से मिलना है बताओ, मैनेजर कहाँ पर, वैसे तो बहुत जगह मैनेजर रहता है नॉर्मली, कोई भी कंपनी में जो मैनेज करता है उसे मैनेजर ही कहा जाता है, लेकिन एक डेली लाइफ में सोचो नॉर्मली एक जगह है जहां पर हम लोग जाते हैं, ठीक है, और वहां पर जाके मैनेजर को ही ढूंढते हैं, या मतलब नॉर्मली वहां पर हाईएस्ट पोस्ट वो मैनेजर का ही होता है, उन्हीं को ढूंढा जाता है बताओ. बैंक में गए हो, बैंक में, बैंक में, बैंक में मैनेजर, ठीक है, मैनेजर वर्कर है कहां पर, बैंक में है, ठीक है, तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छा टीचर, टीचर के लिए क्या हो जाएगा नॉर्मली बताओ, टीचर के लिए क्या होगा, टीचर के लिए उनका वर्क प्लेस क्या होना चाहिए, स्कूल, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, स्कूल, मैंने कहा नॉर्मली बताओ इसलिए क्योंकि हम भी टीचर है बट हम कोई स्कूल या कॉलेज में तो नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो टीचर का कंसेप्ट आया हुआ है वो उनके लिए स्कूल या कॉलेज ही होता है, ठीक है, तो स्कूल या कॉलेज ये उनके काम करने की जगह हो गई. अच्छा नेक्स्ट, अब ऑप्शन दे रहा है, देखो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, नॉलेज, नॉलेज, इग्नोरेंस, पहले बता दो रिलेशन क्या है तभी तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे. नॉलेज, इग्नोरेंस, बताओ रिलेशन क्या है, नॉलेज मतलब क्या होता है, नॉलेज का मतलब बताओ, हिंदी बांग्ला देखो ना किसी तो बोलो, नॉलेज का मतलब क्या होता है, बताओ नॉलेज का मतलब क्या होता है, नहीं याद आ रहा है क्या, लैंग्वेज याद नहीं आ रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम, नॉलेज का मतलब एक्चुअल लैंग्वेज याद नहीं आ रहा इंग्लिश छोड़ के, नॉलेज मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब क्या, अरे कुछ तो बताओ, इग्नोरेंस का मतलब कुछ तो बताओ,
इन दोनों में रिलेशन तो बता दो, ठीक है, वर्ड नहीं दिमाग में आ रहा है, रिलेशन तो बता दो, मतलब कैसा रिलेशन है, सिमिलर वर्ड है, ऑपोजिट वर्ड है, क्या है, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे में, मतलब दूसरे के साथ रिलेट किस तरह से कर रहे हैं, नॉलेज इग्नोरेंस कैसे रिलेट कर रहे हैं, बताओ। मेरा आवाज तो आ रहा है ना, तुम लोग सोच रहे हो। अपोजिट, अपोजिट, यस अपोजिट। देखो नॉलेज मतलब ज्ञान, ठीक है, अच्छा, और इग्नोरेंस मतलब, देखो इग्नोर हम लोग बोलते हैं ना, अरे इग्नोर करो, ठीक है, वो अलग चीज है। देखो इंग्लिश में क्या होता है, हर एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। यहाँ पर इग्नोरेंस मतलब, मतलब क्या बोले, जो हम लोग इग्नोर तभी करते किसी चीज को जिसके बारे में हमारा कोई उतना नॉलेज नहीं रहता है, तभी हम लोग बोलते हैं अरे छोड़ना, इग्नोर कर, ठीक है, छोड़ो। तो ये छोड़ो कब बोलते हैं हम लोग, जब हम लोग को खुद को नहीं पता होता है, ठीक है, उस बारे में, तब हम लोग बोलते हैं कि छोड़ो, इग्नोर करो। इग्नोर यानी नॉलेज और इग्नोरेंस दोनों ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं समझेंगे ना तो हम कर नहीं पाएंगे, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। ब्रीथ और सफोकेशन, अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रक्शन और वार। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश करो बताने का, कुछ ऐसा मत सोचो कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा, कोई कुछ सोचेगा, ये सब छोड़ो। अच्छा बताओ, क्योर मतलब, क्योर और हेल्थ, क्या ये मतलब वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, तो बताओ कि ये दोनों क्या ऑपोजिट है, हमें ऑपोजिट पेयर ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा मेन आंसर तो ऑपोजिट है, नॉलेज मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, ठीक है, जहाँ जो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हम लोग उसी को इग्नोर करने का बात करते हैं, ठीक है, तो बताओ क्योर और ये हेल्थ, क्या ये ऑपोजिट है या फिर सेम वर्ड है, ऑपोजिट है कि नहीं, ये हमें ढूंढना है। नहीं है मैम, नहीं है, बिकॉज क्योर मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना जल्दी से क्योर हो जाओ, यानी तुम सही हो जाओ, सही होने का मतलब ही तो हेल्दी हो गया ना, तो हेल्थ, ठीक है, तो हेल्थ, अनहेल्दी कहां बोला है, हेल्थ बोला है, तो क्योर हेल्थ, ठीक है। कंसील और हाइट बताओ, कंसील का मतलब, कंसील का मतलब बोलो, नहीं नहीं बोलो, कंसील का मतलब, मैम कंसील और हाइट तो सेम ही होता है, सेम, छुपाना, हाइट मतलब भी छुपाना, कंसील करना मतलब भी छुपाना, चलो सही बोला है। ब्रीथ और सफोकेशन बताओ, कोशिश करो, ऑपोजिट है ना, ब्रीथ करना मतलब सांस ले पाना, सफोकेशन मतलब घुटन, अच्छा तो ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ये डी भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि डिस्ट्रक्शन और वॉर ये क्या है, सिमिलैरिटीज है ना इसमें, क्योंकि अगर, हाँ क्योंकि वॉर होगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा सारा चीज, ठीक है, सारा चीज डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही लग रहा है, सी, ठीक है, यही तो लॉजिकल रीजनिंग है, प्रोबेबल हमें आंसर देख के सबसे सही वाला आंसर ढूंढना है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा ना, क्या बोल रहा है, तभी हम लोग कर पाएंगे। अच्छा इसके बाद इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो जी ये मेरा कितना है, सिक्स्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अच्छा, अरेंज, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लॉजिकल ऑर्डर, इन द लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, वर्ड को लॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है, जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, वो इसे इन्हें क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, उसे सही क्रमांक में इन्हें जोड़ना है, उसी तरह से एल्बो, रिस्ट और शोल्डर, पाम, फिंगर, बताओ अगर सही तरह से हम लोग जोड़े तो हमारा आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है 2, 4, 5, 3, 1, ये 2, 4, ये सब, ये जो नंबरिंग है इसके लिए किया गया है, उसके बाद 5, 4,
2, 1, 3. ऑप्शन सी है 3, 4, 5, 2, 1. ठीक है, और ऑप्शन डी है 3, 1, 4, 2, 5. ये यहाँ पर आ गया है तुम लोग के मैट जो है सी सेट का, उसमें ये क्वेश्चन मिडिल में आ गया है, तो ये मैंने लिखवा दिया, उतना कुछ टफ नहीं है, तुम लोग बता सकते हो. ठीक है, एनालॉजी की तरह तो है नहीं, सही मतलब सीक्वेंस में इसे हमें लगाना है. ठीक है, तो बताओ सबसे पहले एल्बो मतलब पता है, एल्बो मतलब जो यहाँ पर जो फोल्ड होता है वो एल्बो हो गया, रिस्ट मतलब जहाँ पर घड़ी चूड़ी वगैरह पहना जाता है ये रिस्ट हो गया, शोल्डर मतलब कंधा, ठीक है, और हथेली मतलब पाम, फिंगर मतलब अंगुली. तो चलो बताओ क्या हो जाएगा, किस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं बताओ, सबसे पहले क्या. बताओ 3, 1, 2, 4, 5. 3, 1, 2, 4, 5. 3 मतलब पहले शोल्डर बताया है मुझे, उसके बाद एल्बो, अच्छा सही है, उसके बाद एल्बो, शोल्डर के बाद एल्बो, उसके बाद रिस्ट, उसके बाद पम, और उसके बाद फिंगर. ठीक है, लेकिन क्या ऑप्शन में ऐसा कोई है, देखो तो 3 से 3, 1, देखो 3, 1, 2, 4, 5 है, 3, 1, 4, 2, 5, तो ये सही हुआ है, बिल्कुल सही बोले हो, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, यानी हमें शोल्डर से फिंगर की तरफ नहीं जाना है, फिंगर से शोल्डर की तरफ जाना है. जैसे वहां कौन बनेगा करोड़पति में तो वहां बता दिया जाता है कि कैसे ऑर्डर में करना है. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बताया कि कैसे ऑर्डर में करना है, मीन्स दोनों ऑर्डर ही सही है ना, हमें कुछ बताया नहीं, शोल्डर से फिंगर जा सकते हैं, फिंगर से भी शोल्डर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट अगर पहले दिमाग में ये आया तो इसको लिखेंगे, लिखने के बाद ऑप्शन में ढूंढेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है यानी हमें उल्टा बोल रहा है तो अब और करने का क्या जरूरत है, इसे उल्टा देख लो ना, 5, 4, 2, 1, 3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो बी बी. ठीक है, बी समझ में आया. अब यहाँ पर बोला नहीं है कि कैसे हमें इसे अरेंज करना है, तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, अगर नहीं बताएगा तो जो वो लोग आंसर मांग रहा है ना वैसा ऑप्शन में रहेगा, अब हमारा ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, 5, 4, 2, 1, 3, यानी फिंगर पाम उसके बाद रिस्ट, उसके बाद ये क्या हो गया, रिस्ट के बाद ये वन नंबर पे एल्बो और ये शोल्डर, इस तरह से होगा. अच्छा, 7th नंबर, अच्छा 7th नंबर में फिर से एनालॉजी है. ठीक है, अच्छा अमेरिका, बाल्ड ईगल, ठीक है, अमेरिका, उल्फ, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और फ्रांस. तो ईगल है एक तरह का, देखो कैसा ईगल है, यहाँ पर दिखाते हैं, ये अमेरिका में ही मिलता है, बर्ड ईगल, बर्ड ईगल, ये देखो इस तरह का ये, ठीक है, ये देख रहे हो ठंडे के जगह का है, ठीक है, इस तरह का ईगल. ठीक है, अब देखो रिलेशन कैसे पता कर सकते हैं, अब बता रहा है ये इसके साथ अमेरिका का क्या रिलेशन होता है, किसी भी देश के अगेंस्ट में अगर किसी भी हम लोग प्राणी का नाम बता रहे हैं तो फिर क्या हो सकता है बताओ, जैसे पीकॉक हमारा क्या है बताओ, इंडिया में पीकॉक के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, पीकॉक के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, एक स्पेशल रिलेशन है, जैसे मैंगो मैम नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड है. ठीक है, तो हमें ये ढूंढना है कि उल्फ जो है वो कौन से देश का नेशनल बर्ड है, कौन से कंट्री का, बताओ आइडिया है तुम लोगों को उल्फ, चलो देखते हैं उल्फ, आंसर तो मुझे पता है, तुम लोग एक बार देख लो, देखो अच्छा ऐसे शायद नहीं मिलेगा, अच्छा आंसर इटली है, देखते हैं
नेशनल एनिमल ऑफ, ये देखो लिखा है क्या इन लोगों ने, ये देखो इटालियन उल्फ, ठीक है इटालियन उल्फ, ये दिख रहा है इटालियन उल्फ, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मतलब इटली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हो क्योंकि तुम लोग के मैट का है तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट और ये है एबिलिटी, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन ये हो गया कि अगर किसी का एबिलिटी है तो उसे अपॉइंटमेंट मिल सकता है कहीं पर, ठीक है। मतलब वो जॉब के बारे में हो रहा है, तो किसी का अगर एबिलिटी है तो वहां उसको किसी एक सेक्टर में अपॉइंटमेंट मिल सकता है, तो एबिलिटी के वजह से अपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो एबिलिटी इज द रीजन एंड अपॉइंटमेंट इज द रिजल्ट, ठीक है। ये कॉज ये इफेक्ट, जैसे होता है ना कॉज इफेक्ट, उसी तरह से ये कॉज है तो ये उसका इफेक्ट है। अब इसका पेयर क्या क्या दिया हुआ है देखो, ट्रांसफर पनिशमेंट, बिजनेस बिजनेस मनी, प्रोमोशन मेरिट और डी, ऑप्शन डी है एग्जामिनेशन सक्सेस। बताओ सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है। रिलेशन क्या है मैंने बताया, रिलेशन होना चाहिए। जैसे ये क्या है, ये कॉज है, ये कॉज यानी रीजन, तो ये उसका रिजल्ट है, ये कॉज है तो ये रिजल्ट है, या फिर बोल सकते हैं कि ये उसका इफेक्ट है, कॉज है तो ये इफेक्ट है। बताओ पनिशमेंट के वजह से किसी को ट्रांसफर मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, पैसे की वजह से बिजनेस, ये तो नहीं हो रहा है, पैसे की वजह से बिजनेस, मेरिट है तो उसका प्रोमोशन हुआ, सक्सेस है तो एग्जामिनेशन। बताओ कौन सा हो सकता है, क्या मैम लगता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में कॉज इफेक्ट रिलेट करो, सक्सेस कॉज है तो उसका इफेक्ट एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है। मतलब किसी को सक्सेस मिला उसका सक्सेस अगर कॉज तो एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा मैम है। सी। हाँ मतलब ये बताओ लैंग्वेज में, बताओ सी या फिर ई बोल रहे हो, नहीं सुन, बी बोल रहे हो, नहीं मैम सुन, सी सी प्रमोशन मेरिट। प्रोमोशन मेरिट। हाँ प्रोमोशन मेरिट हो सकता है, देखो बाकी नहीं हो रहा है। देखो ना पैसा अगर रीजन है तो उसका रिजल्ट बिजनेस जरूरी नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी एस्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है रिलेशनशिप, और वैसे भी पैसा है तो बिजनेस, मतलब पैसा अगर रीजन है तभी बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। सक्सेस है, ठीक है, सक्सेस के वजह से एग्जामिनेशन, ये भी नहीं हो सकता है। पनिशमेंट के वजह से ट्रांसफर जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ किसी का अगर मेरिट है तो प्रोमोशन हमेशा मेरिट के बेसिस पे ही होता है, कहीं पर भी हम लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं तो प्रोमोशन उसका मेरिट के वजह से ही हो सकता है। या फिर जैसे तुम लोग एग्जाम देते हो तो बोल लिखा हुआ रहता है ना रिजल्ट में टू बी प्रोमोटेड, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में चले गए। अब कैसे चले गए, क्योंकि तुम्हारा मेरिट था, तुम्हारा वहां पर तुमने अपना जो नॉलेज है उसे यूज किया, दिमाग लगाया तो प्रोमोशन हो गया। अच्छा नेक्स्ट, ये था 8th नंबर, 9th। अच्छा लीकर, लीकर ड्रिंक, ठीक है। लीकर का मतलब क्या होता है, देखो लीकर का मतलब होता है कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक को, मतलब कोई भी अल्कोहलिक जिसे हम लोग कंज्यूम करना चाहेंगे उसे लीकर बोला जाता है, ठीक है। तो लीकर ड्रिंक किया जाता है, ठीक है, मतलब पी सकते हैं उसे। अच्छा अब इसका ऑप्शन देखो, ब्रेड बटर, अच्छा ऑप्शन बी टी बेवरेज, सी
स्नफ इनहेल ठीक है, मतलब बता देंगे अगर नहीं पता है तो. वाटर शिप सिप ठीक है. तो देखो ब्रेड बटर ये तो समझ में आ रहा है, ब्रेड जो होता है नॉर्मल हम लोग खाते हैं बटर ठीक है, उस पे लगा के हम लोग खा सकते हैं. टी यानी तो चाय पता है, टी मतलब चाय होता है. बेवरेज मतलब कॉमर्शियल ड्रिंक ठीक है, नॉन अल्कोहलिक कॉमर्शियल ड्रिंक मतलब जो ब्रॉडली यूज होता है जैसे कि चाय कॉफी ये सब ब्रॉडली यूज होता है, इसे बोला जाता है कॉमर्शियल ड्रिंक और ये अल्कोहलिक नहीं होता है. टी टी का अपना एक नशा है, जैसे टी में क्या रहता है टैनिन, कॉफी में कैफिन रहता है, बट ये अल्कोहलिक नहीं है. स्नफ इनहेल, स्नफ मतलब क्या बोले जैसे कुछ मतलब टोबैको जो टोबैको का पत्ता होता है ना, जैसे जिसमें से तुम्हारा वो सिगरेट और ये सब बनता है, उसी तरह से स्नफ भी एक तरह का मतलब क्रस्ट किया हुआ टोबैको का लिफ है ठीक है, उसको मतलब क्या बोले मतलब नाक में लिया जाता है. मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल, हम दिखा देते हैं यहाँ पर स्नफ, ये देखो ऐसा होता है মানে যেটাকে বাংলাতে নস্যি বলে সোজা কথায়, হিন্দিটা আমি জানি না. ইয়ে দেখো ইয়ে দেখো ইয়ে দেখ রে হো ইয়ে ইয়ে দেখো লে রা হ্যায় দেখো ইয়ে মতলব সিধা বাত হ্যায় কি এক অ্যালকোহল ইয়ে দেখো নাক মে লে রা মতলব ইয়ে সব তো ইলিগাল টাইপ জো ভি হো তো স্নফ মতলব ইস তরহ কা জো নশা করনে কা চিজ হ্যায় জো কি মতলব হম লোগ ইনহেল করকে নশা করতে হ্যায় ঠিক হ্যায় তো আগর কোই ইনহেল করকে নশা করতা হ্যায় উসকে লিয়ে স্নফ ইয়ে জো ক্রাস্ট কিয়া হুয়া হোতা হ্যায় উসে ইউজ কিয়া জাতা হ্যায় ঠিক হ্যায় তো ইয়ে হো গিয়া স্নফ ইনহেল অর ওয়াটার তো পতা হি হ্যায় পানি হম লোগ সিপ করকে পিতে হ্যায় ঠিক হ্যায় সিপ সিপ করকে পানি পিও এসা বোলা জাতা হ্যায় তো বতাও কোন সা রিলেশন সহি লগ রা হ্যায় তুম লোগো কো ইসকে অ্যাকর্ডিং লিকার অর ড্রিঙ্ক ইসকে अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन सही लग रहा है, लीकर और ड्रिंक ठीक है बताओ कौन सा सही लग रहा है. डी वाटर सिप अच्छा, लेकिन एक चीज देखो एक्चुअली ये जो लीकर जो है ना ये लीकर के साथ जो ड्रिंक का रिलेशन है क्योंकि क्लासिफिकेशन हमें देखना पड़ेगा ठीक है. क्लासिफिकेशन एक्चुअली देखो लीकर का मतलब दिखाते तब तुम लोग समझ जाओगे, वैसे तो हम लोग यूज करते हैं ये वाला वर्ड लेकिन एक बार इसका मीनिंग देखो. ये देखो अल्कोहलिक ड्रिंक स्पेशली डिस्टिल्ड स्पिरिट्स ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक लीकर का मतलब है एक तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक ठीक है. तो ड्रिंक और ड्रिंक का मतलब है जिसे हम लोग पी सकते हैं, तो अल्कोहलिक ड्रिंक जिसे हम लोग पी सकते हैं ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन है, जैसे अगर तुम लोग कभी ऑनलाइन में ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करते हो तो देखना वहाँ लिखा हुआ रहता है जैसे कि मान लो बेवरेज, तो बेवरेज जैसे ही ओपन करोगे ना, बेवरेज जैसे ही ओपन करोगे वहां पर देखना टी कॉफी ये सब लिखा हुआ रहेगा, तो वो हो गया उसका क्लासिफिकेशन. जैसे मान लो दाल ऑर्डर करना है तो तुम्हें पल्सेस में जाना पड़ेगा ठीक है, मान लो तेल घी इस तरह का कुछ ऑर्डर करना है तो एडिबल ऑयल में जाना पड़ेगा, तो ये क्लासिफिकेशन. या फिर मान लो ठीक है ये ग्रॉसरी वगैरह तुम लोग शायद ऑर्डर करो ना करो इसको छोड़ते हैं चलो, अगर तुम लोग फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो वहां पर देखना क्लासिफिकेशन रहता है. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रहता है, ड्रेस का रहता है, उसमें भी क्लासिफिकेशन रहता है. जैसे देखो मेल फीमेल तो रहता ही है मेन, और फिर उसमें भी बच्चे लोगों के लिए तो बॉयज ठीक है या फिर गर्ल्स, तो वो एक अलग सेक्टर हो गया. या फिर डायरेक्टली मॉल वगैरह में भी जाओ तो वहां पर भी रहता है, तो ये क्लासिफिकेशन रहता है. तो ये जो लीकर है ना जो कि एक अल्कोहलिक ड्रिंक है ये उसका क्लासिफिकेशन है जिसे हम लोग ड्रिंक करेंगे ठीक है, मतलब ड्रिंक होगा ये. अच्छा तो लीकर एक तरह का ड्रिंक है, वो क्या है एक तरह का ड्रिंक लेकिन अल्कोहलिक ड्रिंक है, और ये पानी पीने का एक तरीका है ठीक है. ये पानी पीने का तरीका है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है ठीक है. हम लोग पानी सिप कर करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं ठीक है. तो उसी तरह से यहाँ पर आंसर होगा टी बेवरेज. बेवरेज मतलब ये मतलब क्लासिफिकेशन है. बेवरेज का मतलब भी देखो, इसका एक्चुअल मतलब देख लो तब तुम लोग को खुद से याद रह जाएगा. ये देखो ये देखो चीफली इन कॉमर्शियल यूज ए ड्रिंक अदर देन वाटर ठीक है.
पानी को छोड़ के बाकी हर तरह का ड्रिंक जो कॉमर्शियली यूज होता है उसे बेवरेज बोला जाता है, ठीक है, पानी को छोड़ के। इसीलिए ये वाटर वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, बिकॉज वाटर में कोई अल्कोहल वाला बात नहीं है और वाटर इस तरह से बिकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो पैकेज वाटर है वो बेवरेज में आता है। अगर तुम लोग कभी ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना, तो देखना बेवरेज में वहां पैकेजिंग वाटर भी, ड्रिंकिंग वाटर अगर पैकेज्ड करके आ रहा है तो वो बेवरेज है, लेकिन नॉर्मल वाटर जो है वो बेवरेज नहीं। अगर हम लोग खरीद के पी रहे तो वो बेवरेज है, ठीक है, लेकिन अगर खरीद के नहीं पी रहे तो वो बेवरेज नहीं है। तो बेवरेज का मतलब है पानी को छोड़ के बाकी हर तरह का कॉमर्शियल यूजेबल, कॉमर्शियली यूजेबल ड्रिंक, ठीक है, अदर देन वाटर। तो वाटर वाला नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, टी बेवरेज, ठीक है, आंसर होगा टी एंड बेवरेज, ठीक है। तो ये चाय, ठीक है, जो कि एक तरह का मतलब एक तरह का क्या बोले बेवरेज है, जो बेवरेज का मतलब ही होता है अदर देन वाटर, मतलब पानी को छोड़ दे तो पानी को छोड़ के एक ऐसा ड्रिंक है जो हम लोग कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, दैट इज टी। तो यहाँ पर टी बेवरेज होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है जो कि नंबर सीरीज का है, ठीक है। तो सीरीज यहाँ पर अचानक से आ गया, तो एक बार पूछ लेते हैं तुम लोगों से, बताओ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है 29, 28, 26 और 24। यहाँ पर मिल गया मुझे एक क्वेश्चन, तो मैंने दे दिया 7, 12, 19, 39। बताओ मिडिल में क्या आ जाएगा, 7 से 12 कितना हो रहा है, प्लस 5, 12 से 9 प्लस 7, 12 से 19। अच्छा बताओ अब यहाँ पर कितना हो सकता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 9 एक छोड़ छोड़ के, तो 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 28। फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए, 11, 11 प्लस 28 39, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28, ऑप्शन 28। यहाँ पर अचानक से ये वाला एक क्वेश्चन आ गया है, तो मैंने लिखवाया यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी 28 होगा। अच्छा 11, अच्छा यहाँ पर दिया है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल, ठीक है, ये भी एक अलग क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तो करवा देते हैं, सी जे एम EIM, EJO, EMI, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन, इसके बाद का टर्म क्या होगा, तो बी डी एफ, तो किस तरह से बी के बाद देखो सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, यानी एक गैप में दिया हुआ है, एक एक गैप में दिया हुआ है, बी सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, फिर ये वाला देखो सी डी ई छोड़ के एफ, फिर एफ के बाद जी एच छोड़ के आई, यानी एक गैप था यहाँ पर, वन वन लेटर का गैप था, फिर यहाँ पर टू टू लेटर का गैप हो गया, फिर डी के बाद एच है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो तीन लेटर का गैप, एच के बाद एल, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, फिर तीन लेटर का, इसका मतलब इसके बाद जो होगा वो चार लेटर के गैप का होना चाहिए। ऐसा कौन सा वर्ड है ये चारों में से जो कि चार लेटर के गैप में है, तो सी के बाद जे कितना लेटर का गैप है, सी के बाद डी ई एफ जी एच बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आई जे ये तो नहीं होगा, ई e देख लो, ई एफ जी एच आई, E F G H I, ठीक है, तो ये तो पांच लेटर का गैप हो गया, E के बाद J, ये हो सकता है, E के बाद J, E F G H F G H I J, E F G H I J, ये चार लेटर का गैप हो रहा है क्या, E से J, E से J चार लेटर का गैप हो रहा है ना, E के बाद E E F G H I J, चार लेटर, अच्छा जे के बाद ओ, ए बी सी डी एफ जी आई जे, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, हाँ ये भी चार लेटर का हो रहा है। अच्छा ई के बाद एम और आई तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें चार चार लेटर का गैप है, ई के बाद देखो ना ई एफ जी एच आई, उसके बाद जे, यानी चार लेटर के बाद जे,
आई जे के एल एम एन उसके बाद ओ, यानी चार लेटर का गैप, जैसे कि इसमें एक लेटर का गैप था, एक एक, जैसे सी और यहाँ पर ई, यहाँ पर था सी डी ई और यहाँ पर था एफ जी एच, तो यहाँ पर तीन तीन लेटर का गैप था, उस तरह से यहाँ पर चार चार लेटर का गैप आ गया। अच्छा अच्छा अब एनालॉजी का जो है होमवर्क देंगे ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको। अभी हम लोग करेंगे अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है? देखो अल्फाबेट टेस्ट में कैसा क्वेश्चन आता है हमारा। अल्फाबेट टेस्ट जो है, मतलब समझ ही रहे हो, ए से जेड, इसके ऊपर चार तरीके का क्वेश्चन रहेगा, जिससे हमें ये देखना है कि किस, मतलब अल्फाबेट में हमारा पकड़ कितना अच्छा है, तभी हम लोग इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है? इसके लिए कुछ अलग से हमारा कोई पता करने का जरूरत नहीं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है वो तो कुछ ट्रिक्स वगैरह बताएंगे, ठीक है? लेकिन हमें ए से जेड तक अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, जो कि है, ठीक है? ए से जेड तक हमें याद है, और उसका नंबरिंग भी अगर थोड़ा बहुत याद रह जाए तो वो बेटर होगा। जैसे ए वन में होता है, बी मतलब टू, ठीक है? वो तो हम लोग फिंगर काउंट करके भी बता सकते हैं। इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी बोला जाता है, ठीक है? अल्फाबेट टेस्ट या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक ही बात है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, जैसे यहां पर चार टाइप का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट है सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स, चार टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन। अच्छा, और फोर्थ नंबर पे है वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो इजी वाला है वो करेंगे, ठीक है? तो देखो, एक है हमारा सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप, अच्छा, और उसके बाद है वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये चार पॉइंट हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गैप वाला ही करते हैं, ठीक है? उसके बाद पॉइंट नंबर वन करेंगे। तो ये देखो, यही देखते हैं, ये थोड़ा नया है, ठीक है? बाकी तुम लोग को समझ में आएगा। पॉइंट नंबर टू हम लोग करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप। देखो कैसे होगा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन, देखो जैसे बुक में एक ही है तुम लोग का, जो मैट है वहां पर देखो ये दिया हुआ है, उसके बाद हम अपने से देंगे। इन द वर्ड्स चेयर, चेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फाबेट। ऑप्शंस है वन, थ्री, फोर, टू।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है देखो, थोड़ा अजीब सा है। इन द वर्ड चेयर्स, ठीक है, एक वर्ड दिया हुआ है चेयर्स, चेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। अब इसका मतलब समझने के लिए हम लोग पहले सल्यूशन कैसे होता है देखेंगे, तब तुम लोग समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा, सबसे पहले चेयर लिखते हैं हम, CHAIRS, चेयर्स लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे चेयर्स। अच्छा, तो मुझे बताओ कि सी का नंबरिंग क्या है, जो नंबर मैंने सिखाया था तुम लोग को एकदम फर्स्ट दिन, सी का नंबर क्या है, मतलब कितने नंबर? तीन। H कॉपी में देखो, एट एट, एट A1, ये तो मुझे भी याद है, आई नाइन नाइन, आर PQRS, आर कितना नंबर है, 18 है क्या, देखो यस 18 18, तो S हो गया 19, ठीक है। करना क्या है देखो सिंपल, पहले देखो हमें क्या करना है, थ्री, ठीक है, थ्री से हम लोग इस तरह से पेयर चेक करेंगे। कैसे पेयर चेक करेंगे, ये देखो थ्री, थ्री के बाद क्या आता है बताओ, थ्री के बाद क्या आता है, फोर, ठीक है, थ्री के बाद फोर आता है, कहीं पर भी है, नहीं है, थ्री के बाद फोर नहीं है, फिर फाइव नहीं है, सिक्स नहीं है, ठीक है, सेवन नहीं है, एट है, लेकिन पेयर वाइज नहीं हुआ। पेयर वाइज मतलब थ्री के बाद एट तो नहीं आता है, ठीक है, थ्री के कितने बाद एट आता है, थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जो कि यहाँ पर नहीं है। थ्री से एट में अगर जाना चाहते हैं तो ऐसा कोई मिडिल में हमारे पास डेटा नहीं है, तो ये पेयर नहीं बन सकता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, देखो फिर समझ जाओगे, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। थ्री से एट नहीं होगा पेयर, ठीक है। अब एट से काउंट करते हैं, एट के बाद क्या आता है, नाइन आता है, एट के बाद नाइन आता है, नाइन है लेकिन इसके तुरंत बाद तो नहीं है ना, एट के तुरंत बाद नाइन आता है, तो एट फिर गैप है, एक वन है फिर नाइन है, तो नहीं होगा। अच्छा, फिर टेन, टेन तो नहीं है, इलेवन नहीं है, ट्वेल्व थर्टीन, ये देखो एट नाइन टेन, अगर हम लोग काउंट करें, ये देखो एट, एट के बाद क्या आना चाहिए, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, नहीं है तो फिर कोई भी पेयर नहीं बनेगा। एट के बाद नाइन नहीं है, नाइन इधर है, तो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, बस और तो कुछ डेटा है नहीं, तो नहीं पेयर बन रहा है। अच्छा, वन के बाद क्या आएगा, वन से काउंट करेंगे, अब एक एक चेक करेंगे, वन टू थ्री फोर अवेलेबल नहीं है, नाइन टेन इलेवन ऐसा भी कोई अवेलेबल नहीं है। अच्छा, नाइन टेन इलेवन, एटीन नाइनटीन, हाँ एक अवेलेबल है, एटीन के बाद ही नाइनटीन आता है, ठीक है, एटीन के बाद ही नाइनटीन आता है, तो एक पेयर बना, एटीन के बाद नाइनटीन, एक पेयर बन गया, ठीक है। अब हम लोगों ने कैसे चेक किया, ऐसे, अब हम लोग ऐसे चेक करेंगे इधर से, ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे, 19 20 21 22 23 24, कुछ भी नहीं सिमिलर मिला, 18 19 21 22 23 नहीं होगा, 9 10 11 12 तो नहीं हो रहा है, ठीक है, 9 10 11 12 तो नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर 1 2 3, देखो 1 2 थ्री, तो वन के बाद टू आता है फिर थ्री आता है, अब देखो वन के बाद टू आता है फिर थ्री आता है, यहां पर ऐसा एक पेयर बन सकता है, तो क्या हुआ, मिडिल में टू नहीं है, सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, वन टू थ्री, टू नहीं है तो क्या हुआ, एट है, नो प्रॉब्लम, गैप मिल रहा है ना मुझे, वन टू थ्री तो होगा, ये मेरा पेयर होगा, वन टू थ्री ये मेरा पेयर बनेगा, ठीक है, वन टू थ्री। अब एट, एट के बाद नाइन आता है, नाइन तो नहीं है, अगर बगल बगल होगा तो एटीन के बाद नाइनटीन लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर नाइन था, अगर यहाँ इलेवन होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर इलेवन होता तो नाइन टेन इलेवन, तो वो पेयर बन जाता, क्योंकि यहाँ पर टेन नहीं है तो क्या हुआ, एटीन तो है, नाइन टेन इलेवन, गैप मेंटेन होना चाहिए, गैप मेंटेन होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाओगे, देखो गैप मेंटेन होना चाहिए, तो दो पेयर हुआ, दो पेयर क्या क्या हुआ, 18, 19, यहां से देखेंगे, यानी R और S, यहां पर C से लेके A और एक गैप हुआ C से लेके A, तो मेरा दो गैप हुआ, मतलब यहां पर दो
टू होगा आंसर, ठीक है, यहाँ पर टू होगा आंसर। तो ये तो मैंने नंबरिंग के साथ बताया जो कि आसान तरीका है, लेकिन अगर देखो क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो भी हम लोग गैप बना सकते हैं, लेकिन नंबरिंग ज्यादा आसान है। जैसे कि देखो सी, सी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं हुआ, एच से काउंट करो, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, नहीं हुआ, ए बी सी डी नहीं होगा, आई जे के नहीं होगा, आई जे के, आर आर एस हो रहा है, ये देखो आर एस, ठीक है। अब ऐसे करके हो गया एक जो मैंने यहां पर नंबर के साथ बनाया था। अब इधर से देखेंगे, ठीक है, इधर से देखेंगे कि सिमिलर हो रहा है कि नहीं। जब बैक में देखते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है ना, प्रॉब्लम होता है, नंबरिंग के साथ इजी रहता है, कोई बात नहीं, ऐसे भी देख सकते हैं। पी क्यू आर एस, एस पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, कुछ भी नहीं है, आर के बाद पी क्यू आर एस आर एस, उसके बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू भी I J K L A B C, देखो A B C, तो A से C में जाने के लिए एक गैप होता है जो कि फुलफिल हो रहा है, तो ये वाला भी लेंगे A से C, या फिर C से A, कुछ भी लिखो, वो तो हमें पूछेगा नहीं, पूछेगा कितने सारे पेयर्स हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, और एक दो करेंगे तो समझ जाओगे। इन द वर्ड चेयर्स हाउ मेनी पेयर्स of the letters have the same number of letters between them in the word as in alphabet? तो ये जो वर्ड है इसमें ऐसा कितने सारे पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि अल्फाबेटिकली भी पेयर्स है, जैसे आर एस अल्फाबेटिकली पेयर्स है और ए बी सी ये भी अल्फाबेटिकली पेयर्स हो जाएंगे, तो मिडिल में एक वर्ड रहेगा तो वो अल्फाबेटिकली पेयर्स हो जाएंगे, तो ए बी सी, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद तुम लोग को कुछ भी ना समझ में आया हो या फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, कोई बात नहीं, और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, देखो स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट, तो बताओ स्टूडेंट में क्या क्या पेयर होगा, तुम लोग रीड करो, एस के बाद क्या आता है, अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी याद रखना है, बच्चे लोगों की तरह एबीसीडी बिल्कुल याद रखना है, जैसे हम थोड़ा रुक रुक के बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना है तुम लोगों को, एकदम एस के बाद बताओ क्या आता है, एस के बाद क्या आता है, हम लोग यहाँ से काउंट करें टी, तो क्या टी है, एस के बाद टी है, यस मैम, तो ये एक पेयर बन गया, एस के बाद टी है तो ये बिल्कुल एक पेयर बनेगा, ठीक है। अच्छा अब एस से टी हो गया, एस को छोड़ो, अब टी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो बताओ, अच्छा एस से टी हो गया, और भी देख लेते हैं कुछ होता है कि नहीं, तो एस को पहले पूरा कंप्लीट करते हैं, बताओ पी क्यू आर एस टी, फिर उसके बाद क्या आता है, यू, यू, तो एस से यू ये भी एक पेयर बन गया, ठीक है, एस से यू ये भी एक पेयर बन रहा है, पी क्यू आर एस टी यू, अच्छा फिर एस से काउंट करो, एस से ये डी है, देखो डी ई होगा क्या, एस के बाद डी ई तो आ नहीं सकता है, आ सकता है क्या, पॉसिबल तो नहीं है ना, एस के बाद तो डी ई नहीं आ सकता, फिर भी देख लो, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, तो ये सब कुछ भी कवर करेगा, एक बार बताओ मुझे। अब हम थोड़ा थोड़ा तुम लोग से आंसर लेना चाहते हैं कि ताकि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, वो हम क्लियर कर ले, कि एस के बाद हम लोग फिर से मतलब एस को पूरा कंप्लीट करेंगे, एस टी यू ये सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, फिर एस के बाद क्या डी ई एन टी ये सब आ सकता है, ये सब पहले ही एस के आगे आ चुका होगा, है ना, एस के बाद एस के बाद टी आता है, देखो अगर तुम लोग बोलोगे कि एस के बाद टी मैम यहाँ पर है, बट एस के बाद टी जो आता है क्या दोनों में कोई गैप है, अल्फाबेटिकली एबीसीडी सोचो, क्या एस के बाद जो टी होता है क्या उसमें कोई गैप है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो हमारा एबीसीडी पैटर्न है उसमें एस के बाद तो टी आता है, ऑब्वियसली आता है, क्या एस के बाद डायरेक्ट टी आता है या फिर उसके मिडिल में कुछ और भी अल्फाबेट्स चले जाते हैं, डायरेक्ट तो ये तो नहीं होगा ना, अगर किसी को ऐसा लग रहा है ये एस टी हो रहा है तो ये एस टी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में ये सब आ चुका है ना, तो बीच में ये सब कहां से आएगा, इसके बाद तो डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। अच्छा तो एस का सीक्वेंस खत्म, एस के बारे में और नहीं सोचेंगे, एस से टी एस से यू हो गया, एस से डी नहीं जा सकते क्योंकि डी के डी एस के पहले ही आ चुका है, ई में भी नहीं जा सकते हैं, एन एम एन
एन के बाद एस था, तो एस से आगे की तरफ टी ही था जो कि यहाँ पर फुलफिल नहीं किया। अब हम लोग टी देखना स्टार्ट करेंगे। चलो बताओ टी के बाद क्या आएगा? टी के बाद यू, यू तो ये रहा बगल में ही है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। टी के बाद यू होना चाहिए, टी के बाद यू है। अच्छा क्या टी के बाद डी वाला कुछ हो सकता है? सोचो डी ई ये सब कुछ हो सकता है, एक बार सोचो। नो मैम। नहीं है ना, तुम लोग एक काम करो ये वाला लिख लो, ये ए बी सी हम लिख देते हैं तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये पूरा एक साथ होने से ज़्यादा बेटर होता है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, छोटा छोटा लिख देते हैं, वाई जेड। हाँ ये तुम लोग अगर कॉपी में लिख लोगे तो तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे हम कह रहे थे अभी कि हम लोग टी से यू गए, अच्छा टी से डी, हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट टी है, ठीक है। अच्छा बताओ टी से डी कैसे जा सकते हैं? आगे जाना है ना, टी से डी नहीं जा सकते, वो तो पीछे छूट गया है, ई भी पीछे छूट गया है, एन भी पीछे चला गया है। टी से टी ये तो नहीं हो सकता है, टी से टी क्या पेयर होगा? नहीं हो सकता है, टी टू टी तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब चलो बताओ U, U से स्टार्ट करेंगे, क्या U के बाद D आएगा? देखो ना हमारा अल्फाबेट U, क्या U के बाद D आ सकता है? U के बाद तो बस यही सब दिख रहा है, V W X Y Z, बताओ कोई भी एप्लीकेबल है? U के बाद V W X Y Z कोई भी एप्लीकेबल है? हमारे पास तो D E N T है, क्या होगा, मतलब कोई पेयर बनेगा? नो मैम। नहीं तो U को छोड़ो। अच्छा डी, डी के बाद हमारा नेक्स्ट डेटा है डी। चलो डी के बाद क्या आता है? डी के बाद इधर अप टू जेड तक आता है, तो चलो देखते हैं डी के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में। बताओ डी के बाद क्या है? E, और हमारे पास D के बाद E है और D के बाद E ही होना चाहिए, तो देखो D के बाद E, तो यहाँ पर भी D के बाद E पेयर बनेगा। अच्छा हो गया, अब D के बाद N, क्या D के बाद N आता है? आता तो है, कितने सारे गैप के बाद आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ऐसा कोई गैप है नहीं, D के बाद तो एक ही गैप है, फिर N आया है तो पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। और D के बाद T जरूर आता है, डी के बाद टी जरूर आता है, लेकिन गैप तो देखो कितना सारा है, यहाँ पर तो बस दो गैप है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से जैसे रहेगा यहाँ पर भी हमें उसी पेयर को ढूंढना है, तो डी का जो है कंसेप्ट वो गया, ठीक है। देखो हम अलग अलग कलर से कर रहे हैं, एस के लिए मैंने व्हाइट कलर यूज किया, फिर टी के लिए ग्रीन, यू वाला बना नहीं, डी के लिए मैंने येल्लो यूज किया। अब ई, क्या E से N और T जा सकते हैं? ऑब्वियसली जा सकते हैं, बट E से अगर N जाएंगे कितने सारे गैप हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है। E से अगर T जाएंगे तो भी कितने सारे गैप हैं जो कि फुलफिल नहीं कर रहा है, तो E का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जैसे U का नहीं हुआ, E का भी नहीं हुआ। N, N से T जा सकते हैं? N से T जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं। ये रहा N, ये रहा T, बट गैप कितना होना चाहिए? 1 2 3 4 5, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो नहीं होगा। और टी को कहां ले? टी का तो आगे कुछ है नहीं, तो टी को कुछ नहीं लेना है, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग इस तरह से देखेंगे, इस तरह से, ठीक है। अच्छा टी, तो टी, टी के बाद क्या आता है? पी क्यू आर एस टी, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। अच्छा एन से एस तक जा सकते हैं? चेक करो, एन से एस तक जा सकते हैं? हाँ N से S जा सकते हैं। N के कितना सारा गैप है मिडिल में, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, तुम लोग बताओ कितना सारा गैप है? N के बाद क्या होता है? तुम लोग रीड करो, N O P Q R S, क्या सेटिस्फाई कर रहा है बताओ? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा सेटिस्फाई कर रहा है, एक दो तीन चार गैप होना चाहिए, एक दो तीन चार गैप है, N से S, ये एक पेयर बन गया। अच्छा चलो अब E से देखते हैं, E F G H I कुछ भी नहीं बना, D E F G नहीं बनेगा, U V W नहीं होगा, P Q R S T U V अब तो नहीं होगा, बस ये गैप हो गया। अच्छा अब ये गैप क्या क्या हो गया, कितना सारा हुआ? S टू T एक, ठीक है, T टू U दो,
एस टू यू तीन, और डी टू ई चार, ठीक है, ये ऐसे हाइफन देना चाहिए था मुझे, डी टू ई चार, और एन टू एस ये पांच, एक दो तीन चार, पांच ऐसा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है, पांच ऐसा गैप क्रिएट हो गया। अब इसी चीज को अगर हम लोग नंबर के साथ करें तो और भी इजी हो जाएगा, ठीक है, इसी चीज को अगर हम लोग नंबर के साथ करें तो और भी इजी हो जाएगा। देखो ये ट्रिक हम बता सकते हैं, ये ट्रिक तुम लोग यूज कर सकते हो। देखो वैसे अगर अल्फाबेटिकली स्ट्रांग हो तो वो भी हो जाएगा, उसी को हम नंबर के साथ करके दिखाते हैं। देखो एस होता है 19 नंबर, टी होता है 20 नंबर, यू होता है 21, डी होता है 4, ई होता है 5, एन होता है 14 और टी होता है 20, मतलब अल्फाबेटिकल नंबर के हिसाब से। तो हम लोग देखो तुम लोग कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो, बट ये इसमें गलत होने का चांसेस कम रहता है, ठीक है। तो 19 से 20 पेयर बनेगा, 20 से 21 पेयर बनेगा, अच्छा 19 20 21, 19 20 21 ये भी एक पेयर बनेगा, 19 20 21, 19 20 21, फिर इसके पीछे देखो 4 5 14 20 नहीं होगा, 19 से मुझे जाना है तो 19 से लार्जर नंबर ढूंढना पड़ेगा, 20 21, 4 तो होगा ही नहीं, वो आगे चला गया, 5 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 20 हो सकता है, लेकिन 19 से 20 उसमें तो कोई गैप नहीं है, बिल्कुल पास पास है, जबकि ये इतने सारे गैप मेंटेन कर रहे तो नहीं होगा, ठीक है। फिर 2021 कर दिया मैंने, 2021 22 23 24 25 नहीं होगा, 21 ये यहाँ से देखो नहीं होगा, मुझे लार्जर नंबर चाहिए ना, 21 के बाद वाला कहाँ है, नहीं है, 4 5 हाँ होगा, 4 5 होगा, अच्छा 4 5 6 7 कुछ भी नहीं है ऐसा, 5 6 7 नहीं होगा, 14 15 तो ये 20 है नहीं होगा, ये तो मैंने ऐसे चेक किया। चलो अब ऐसे चेक करते हैं, 20 21 22 23 24 25 26 नहीं होगा, 14 15 16 17 18 19 हुआ, 14 15 16 17 18 19, देखो 14 से 19 जाने तक का जितना गैप होना चाहिए उतना गैप बिल्कुल हुआ है, नंबर कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। फिर बाकी काउंट करते हैं, 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा है, 4 5 6 7 21 20 21 22 23 20 21 नहीं होगा, देखो ये गैप बन गया। अब इसका आंसर कैसे देखेंगे, गैप 1 2 3 4 5, अब आंसर क्या हो जाएगा, 19 से 20 यानी एस से टी, टी से यू, एस टी यू ये तीन, एक हो गया और एक हो गया, एन से लेके एस तक, सारा डेटा नहीं लिखा मैंने, एन से लेके एस तक, ठीक है, तो इस तरह से होगा। अच्छा अब तुम लोग मुझे बताओगे, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कॉरपोरेट, कॉरपोरेट इसमें बताओ कितना गैप होगा। अब तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, नंबरिंग करके भी कर सकते हो, या फिर तुम लोग चाहो तो उसे डायरेक्ट भी एबीसीडी उस पैटर्न में भी कर सकते हो, बताओ क्या होगा, दोनों तरह से एक बार करके देख लो, बताओ सी से, बताओ कहाँ पर जाके हम लोग रुके, सी से कहीं पर भी क्या कोई मैचिंग हो रहा है, देखो ये सी से रीड करते जाओ, सी के बाद क्या क्या आता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, नहीं वाह हुआ क्या, नहीं वाह, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं वाह, आर, आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स पी एम एन ओ पी क्यू आर, बताओ पेयर हो रहा है क्या, तुम लोग बताओ, हम तो कर रहे हैं, तुम लोग बताओ कि पेयर हुआ या फिर नहीं हुआ, कहाँ पर पेयर बन रहा है। मैम मैम पी ओ आर, हाँ पी ओ आर, बिकॉज पी क्यू आर एक गैप होना चाहिए, एक गैप हो रहा है, पी क्यू आर, तो मैंने पी यहाँ तक ही मैंने बताया था, यहाँ पर ही मैंने रोका, पी क्यू आर, अच्छा पी क्यू आर एस टी हो रहा है, पी क्यू आर एस टी हो रहा है क्या, यस मैम PQRST हो गया, फिर पी क्यू आर एस टी ई तो नहीं होगा, ओ आर एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं हो रहा है, आर ए होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, आर ए टी ई नहीं होगा,
नहीं होगा। अच्छा अब बैक में देखते हैं, ऐसा तो देख लिया, ऐसे देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं हो रहा, टी यू जी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, ए बी सी डी ई एफ जी आर एम एन ओ पी आर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं, ओ पी क्यू आर ओ ओ पी ओ पी हो रहा है, बताओ ओ पी हो रहा है। इस तरह से दोनों साइड से देखना है ना, ऐसे और ऐसे भी, एम एन ओ पी हो रहा है, ओ पी क्यू आर एस नहीं होगा, पी क्यू आर एस नहीं हो रहा है, आर ओ नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर के बाद एस आता है, आर ओ सी तो ओ सी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितना सारा गैप हुआ, तीन गैप हो गया। हाँ बोलो कितना सारा पेयर हो गया, एक दो तीन चार पेयर हो गया, है ना, चार पेयर हो गया पीओ। अच्छा अब देखो नंबरिंग का फायदा क्या है, नंबरिंग से गलती थोड़ा कम हो जाए। ये देखो थ्री ये 15, ठीक है, मुझे याद है तो हम लिख देते हैं 18 यहाँ पर, ये P मतलब 16 होता है, ये 15 फिर 18 फिर 1 फिर 20 और फिर 5। चलो देखते हैं क्या सेम आंसर आता है हमारा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 21 22 23 18 19 21 22 23 24 25 16 17 18 ये रहा 16 17 18 16 17 18 19 21 22 15 16 17 18 19। अच्छा उसके बाद 18, 19, 20 ये हो जाएगा 18, 19, 20। अच्छा P Q R S T, अच्छा 16, 17, 18, 19, 20 ये एक बन रहा है, ये 16, 17, 18, 19, 20 अच्छा 18, 19, 20 अच्छा 1, 2, 3 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक दो और ये एक बन गया, ठीक है, जो मैंने ऐसे यहाँ पर लगाया एक ही बात है, 18 से 20 पेयर देखो हमारा उतना ही होगा, जैसे पी ओ ये यहाँ पर लिख लेते हैं, पी ओ पी से लेके ओ पी से लेके आर पी से लेके टी पी से लेके ओ पी से लेके आर पी से लेके टी आर से लेके टी और ओ से पी, है ना, ओ से पी एम एन ओ पी, अच्छा P से O ये थोड़ी ना है, ये तो नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने, ये देखो P से क्या है, P से R है, फर्स्ट ये आया था P से R, फिर P से T, फिर T से R, P Q R S T, एक्चुअली R से T लिखना चाहिए, R से T और O से P, तो ये चार। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22 23 15 16 ये आ गया, तो सेम हो गया, देखो जहाँ जहाँ हम लोगों ने अप्लाई किया था वहाँ पर हो गया। इसको क्या करेंगे ना, इसको ये देखो ये ऊपर नहीं देंगे, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लिखते टाइम, वैसे तो ऑप्शन रहेगा, ये देखो आर एस टी है ना, तो मुझे ऐसे देना चाहिए, तो ये तो इसी फ्लो में हुआ है ना, इसी फ्लो में तो नहीं हुआ, टी से तो आर नहीं जा रहे ना, आर से टी जा रहे, तो आर एस टी, तो ये हो गया। तो सेम अब जो तुम लोग को सही लगे, नंबर सही लगे नंबर ले लो, और अगर तुम लोग को लगे कि हम लोग को ये इस तरह से कंफर्टेबल है तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा तो ये समझ में आया गैप वाला क्वेश्चन कैसे रहेगा, गैप वाला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, तो ये एक टाइप का हम लोगों ने किया प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप। अच्छा अब हम लोग करेंगे, देखो इसका होमवर्क देंगे, ठीक है, तुम लोग प्रैक्टिस करना।
एक काम करते हैं, और एक करवाते हैं फिर नेक्स्ट वाला लेते हैं, और एक करवाते हैं ताकि तुम लोग थोड़ा और स्ट्रांग हो जाओ। ये तुम लोग मुझे बताना, ठीक है? हम कुछ नहीं बताएंगे। पैराडाइज क्या बताओ, क्या पैराडाइज कौन कौन सा अभी अभी पेयर? ट्रेंड चल रही है? अच्छा बताओ पैराडाइज का क्या क्या पेयर होगा? बताओ कितना सारा पेयर होगा? हम 2 मिनट वेट करते हैं, तुम लोग बताओ कितना सारा पेयर होगा। मैम टू पेयर्स 2 पेयर्स, लेकिन आंसर तो कह रहा है 3 पेयर्स है, कुछ तो एक छूट गया होगा। 2 पेयर्स कौन कौन सा हुआ है? पी ए आर ফার্স্টে পি এ আর মাঝখানে এ আছে মেয়ে ডিলে, ওখানে কিউ হচ্ছে একটা পেয়ার, হ্যাঁ, অ্যান্ড পিকিউ এ আর, হ্যাঁ এ টু ডি এ বি সি মিডিলে আর আর এ সি, এখানে একটা পেয়ার। হ্যাঁ এটা একটা, আর একটা আছে, আর একটা খুঁজতে হবে, আর একটা আছে। এইভাবে দেখলে, এইভাবেও দেখো, এইভাবে একটা কিছু আছে। পিকিউ আর এস টি, পিকিউ আর এস টি ইউ ভি ডব্লিউ, এ বি সি ডি ই এফ জি আর এস টি ইউ ভি ডব্লিউ, এ বি সি ডি ই নেই হোক, এ বি সি ডি ই, আর এক হো রা হ্যায় না, এ বি সি ডি ই, এ সে আগর দেখে তো হো রা হ্যায় তো এক পেয়ার, এসে নিচে সেই তো হো রা হ্যায়, यस मैम হ্যাঁ ইয়ে ছুট, ইয়ে ছুট গিয়া, দেখো এ বি সি ডি ই। अच्छा अब बाकी तो कुछ नहीं हो रहा, डी के बाद आई एस ये सब नहीं होगा, उल्टा कुछ भी नहीं हो रहा, ई ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं पॉसिबल नहीं, पी के आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आई जे के एल एम एन डी ई एफ जी एच ए बी सी नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह से, और अगर नंबरिंग करते हो तो देखो 16, 1, 18, 1, 4, 9, 19 और 5, देखो इसमें गलत होने का चांसेस देखो तुम लोग ही देखो कम हो जाएगा। 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ो, 18, 19, 20 ये सब, 18, 19, 20 कुछ भी नहीं होगा, सब छोटा छोटा है इधर, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 4, 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, नहीं होगा, अब तो देख के पता चल रहा है नहीं हो रहा है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर तो कुछ नहीं होगा, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से बन जाएगा, 3 पेयर बन जाएगा। एक्चुअली हमारा ऑप्शन इस तरह से रहेगा कि पेयर कितना सारा होगा, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन इस तरह से होगा, पेयर लिखने का जरूरत नहीं होता है, ऑप्शन रहेगा 2 पेयर 3 पेयर, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा होगा, ये पेयर का मतलब लिखने का जरूरत ही नहीं है, मतलब 1, 3, 4, 2 जस्ट ऑप्शन रहेगा, नंबर ऑफ पेयर्स का ऑप्शन रहेगा जो कि हमें आंसर देना पड़ेगा। अच्छा अब जो मैंने कहा कि हम लोग ये वाला देखेंगे, ये वाला पॉइंट डील करते चलो, वर्ड्स इन द अल्फाबेट, क्या है, वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये वाला देखते हैं। अच्छा इसका क्वेश्चन तो इसमें एक बार नोट डाउन करते हैं कि ये दो चीज हम लोग कर रहे हैं आज।
फोर्थ वाला पॉइंट कर रहे, ठीक है। अच्छा तो इसमें कैसे है देखो, अरेंज द क्वेश्चन, अरेंज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड गिवन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा फेम शेम नेम केम, ठीक है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। हम तुम लोग को बताते क्या करना है, तुम लोग ही मुझे आंसर बता पाओगे। देखो बोला क्या है, अरेंज करना है, ये सबको अरेंज करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, एल्बो रिस्ट फिंगर, उसी तरह से, ठीक है। अरेंज करना है क्वेश्चन, अरेंज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। जो वर्ड बन रहा है, जैसे फेम एक वर्ड बन गया, ठीक है, शेम एक वर्ड बन गया, तो ये सब एक-एक वर्ड है। इस वर्ड का जो इनिशियल लेटर है, मतलब जो स्टार्टिंग लेटर है, उसके ऊपर बेस करके इसे अल्फाबेटिकली हमें अरेंज करना है। क्वेश्चन समझ में आया? जो इनिशियल लेटर है, मतलब जो स्टार्टिंग लेटर है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली मतलब पहले ए, फिर बी, फिर सी, ए टू जेड जो होता है वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो बताओ कि फर्स्ट कौन सा आएगा, इनिशियल लेटर को ध्यान में रख के करना है। तो बताओ एफ एस एन और एफ एस एन और ये केम, ठीक है, मतलब सी, इसमें अल्फाबेटिकली सबसे पहला कौन सा वर्ड आता है? सेम केम। उसके बाद सी के बाद क्या आ जाएगा, डी ई एफ एम। अच्छा उसके बाद नेम नेम और शेम, ठीक है, बस ये ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन में ऐसा रहेगा, जैसे कि ये हमारा कितना बन गया, टू, ये हमारा केम, मतलब 4-1, 4-1, 3-2, ठीक है, ऐसा ऑप्शन रहेगा, 4-1, 3-2, 4-2, 3-1, इस तरह का ऑप्शन रहेगा। और उस ऑप्शन के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा, ठीक है, मतलब देख लेना पड़ेगा हमारा क्या आंसर आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग बताएंगे। अच्छा अब देखते हैं इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। इफ द फॉलोइंग फाइव वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच वर्ड विल कम, विच वर्ड विल कम इन द मिडिल, इन द मिडिल। अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉ रीड प्ले प्ले बैक वॉन्ट। अच्छा तो बताओ मिडिल में कौन सा वर्ड आएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इफ द फॉलोइंग फाइव वर्ड्स, फाइव वर्ड्स क्या है, ड्रॉ रीड प्ले बैक वॉन्ट, ठीक है, ये पांच जो वर्ड्स है इन्हें अगर अरेंज किया जाए अल्फाबेटिकली, ठीक है, लेकिन इनिशियल वर्ड के साथ नहीं बोला है, बोला है कि अल्फाबेटिकली इन्हें
अरेंज करो, सिर्फ इनिशियल वर्ड देखने के लिए नहीं कहा है, पूरा का पूरा हमें ध्यान में रखना है। जैसे डिक्शनरी में होता है विच वर्ड विल कम इन द मिडिल, कौन सा मिडिल में आएगा, ठीक है मिडिल में कौन सा आएगा वो तो अरेंज करने से ही पता चल जाएगा। तो बताओ सबसे पहले कौन सा वर्ड आ जाएगा, वैसे तो सिमिलर इनिशियल वर्ड अगर सिमिलर हो तभी प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो इनिशियल वर्ड एक भी सिमिलर नहीं है, सिमिलर मतलब ये बता रहे, जैसे मान लो ये बैक है, अगर यहाँ पर बैट होता, सपोज ये वांट की जगह बैट होता तो दो, जैसे बैट बोल रहे बी ए टी बैट, ठीक है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ता कि कौन सा आगे आता और कौन सा बाद में आता, ठीक है बी जो है बी तो आगे आएगा ही, एक डी है एक आर है एक पी है और एक बी है एक डब्ल्यू है, तो कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन मान लो दो तीन बी ही बी है तो फिर कन्फ्यूजन होगा, ऐसा क्वेश्चन भी एक देते हैं। चलो बताओ इसमें सबसे पहला कौन सा वर्ड आ जाएगा, अल्फाबेटिकली से अरेंज करेंगे तो बताओ कौन सा वर्ड आएगा, बैक, बैक, उसके बाद ड्रॉ, ड्रॉ, उसके बाद प्ले, प्ले, फिर रीट रेट, और लास्ट में वांट। तो मिडिल में कौन आ रहा है, प्ले, प्ले, मिडिल में कौन आ रहा है, प्ले आ रहा है, तो मिडिल में ये आ जाएगा प्ले, ठीक है। अच्छा हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ था उसी पैटर्न में। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देखो जैसे अभी मैंने कहा था कि अगर सेम इनिशियल वर्ड हो तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी। फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा। अच्छा जो वर्ड है ऑप्शन, अच्छा वर्ड यहां पर लिख देते हैं, वर्ड है फॉलो फुल फेथ फुली, अच्छा फॉल्स अच्छा और एक वर्ड है, पांच वर्ड का है ना मैंने, फॉल्स और एक वर्ड है फैलिएबल, अच्छा ये वर्ड है ठीक है। और ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन है फॉल्स फर्स्ट, बी फॉलो, सी फेथफुली, डी डी है फुल और ई है फेलिएबल, ठीक है। तो क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब ये जो वर्ड है इसमें से कौन सा वर्ड है कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी, अगर हम लोग डिक्शनरी में इसे ढूंढे तो फोर्थ नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, सारा का सारा इनिशियल वर्ड एफ से है तो हमें सेकेंड वाला भी ध्यान में रखना चाहिए, सारा का सारा एफ से है ठीक है। तो बताओ फर्स्ट एफ कौन सा आएगा, डिक्शनरी देखना आता है हम लोगों को, देखो एफ इनिशियल वर्ड एफ है ठीक है, तो एफ तो रहेगा ही, उसके बाद क्या होगा फॉलो मतलब ए, ए होगा तो अब ए से भी देखो कंफ्यूजन है, एफ ए एफ ए एफ ए, तो फिर थर्ड वाला देखो आई आई, तो आई होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी फेथफुली पहले आ जाना चाहिए, कंफ्यूजन खत्म हो गया, क्योंकि पहले देखो ये दो तो नहीं आ रहा है, पहले ये तीनों में कंफ्यूजन आ रहा है, तो तीनों में एफ ए एफ ए एफ ए था तो फिर आई, तो ये हो जाएगा फेथफुली ठीक है।
ये हो गया, फर्स्ट तो गया। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा ना, दोनों में ही तो ए ए है, इन दोनों में देखो एफ ए एल, अब इसमें भी एफ ए एल है, अब इसमें एल के बाद एस है, जबकि इसमें एल के बाद एल है, तो बताओ डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी तो अल्फाबेटिकली रहता है, तो एल के बाद कौन सा आएगा, क्या एल के बाद एस आएगा, कौन सा वाला आएगा बताओ, या फिर एफ ए एल एल आएगा? मैम एफ ए एल एल, एफ ए एल एल है ना, एफ ए एल एल आई बी एल ई, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट कौन सा होगा, वो तो बिना देखे हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो ए वाला पहले चाहिए था, तो देखो फेथफुली मिल गया, ये मिल गया, अब थर्ड में कौन चला जाएगा डायरेक्टली, और कुछ ढूंढना नहीं है, थर्ड में कौन आ जाएगा, फॉल्स, थर्ड में फॉल्स आ गया, ए वाला तीनों खत्म। अब ये दोनों में कंफ्यूजन देखो, एफ ओ एफ ओ, ठीक है, तो ओ के बाद फिर क्या है, एल, और एक इधर ओ है, तो क्या आना चाहिए, एल एल, तो क्या आ जाएगा, फॉलो, और उसके बाद फुल। तो अब ये हो गया 1 2 1 2 3 4 5, ये अरेंज कर दिया हम लोगों ने। पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था कि विल फोर्थ, फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है, तो देखो फोर्थ नंबर 1 2 3 4th, फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है, फॉलो, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे कौन आ गया, फॉलो, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से करना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन। अच्छा और एक देख लेते हैं, अच्छा विच नेम, ये थोड़ा सा अलग देते हैं, विच नेम विल कम इन द लास्ट इन ए टेलीफोन डिक्शनरी, इन ए टेलीफोन डिक्शनरी, सॉरी डायरेक्टरी, अभी तो फिलहाल ये सब यूज नहीं होता है मोबाइल के जमाने में, पहले टेलीफोन के लिए यूज होता था। महिंद्रा, महिंदर आई, ये है ई, महिंदर, महिंद्रा, महिंदर, फिर महिंद्रा, और लास्ट में मोहिंदर। तो वो टेलीफोन का जो डायरेक्टरी है वो भी डिक्शनरी पैटर्न में ही होता है, तो बताओ सबसे लास्ट में कौन सा नेम आना चाहिए, ये हम लोग बिना अरेंज करे भी बता सकते हैं। सबसे लास्ट वाला पूछ रहा है, तो ए ए वाला तो नहीं आएगा ना, ये देखो ए ए ए, अच्छा सब में ही ए है, लेकिन एक में तो ए नहीं है, बताओ, आंसर बहुत इजी है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बताओ क्या होगा। मैम ई, ई, क्योंकि देखो सब में ए वाला कंसेप्ट है, कंफ्यूजन ये सबको अरेंज करने में है, तो ये तो ओ आ गया ना, तो ये तो वैसे ही लास्ट में आएगा, एम के बाद ओ है, सब में एम एम था, तो सेकेंड वर्ड देखेंगे ना, तो सेकेंड वर्ड सब में ए है, ठीक है, लेकिन इसमें ओ आ गया, तो इसका मतलब ये सब अरेंज होने के बाद लास्ट में ही ये जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। तो ये देखो कितना इजी था, यहाँ पर उतना कुछ लिखना नहीं पड़ा जैसे हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ रहा था, अब क्वेश्चन जैसे देगा हमें उसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, कितना नंबर उसमें तो मुझे याद नहीं है। इफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइव वर्ड्स आर फ
first arranged in alphabetical order. Then the groups of letter, then the groups of letter are groups of letters so formed, जो बना, ठीक है, अभी जो बना, so formed are rearranged as in a dictionary, which word would have its group of letters in the middle among the five. अच्छा, ऑप्शन है रोड, डीफ, कोड, लैक, मीट, ठीक है, और वर्ड भी यही सब है, ठीक है, हम और वर्ड अलग से नहीं लिख रहे हैं, यही वाला वर्ड है और ऑप्शन ये दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या बोला है, देखो थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन. क्या बोला है, इफ द लेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइव वर्ड्स, पूरे पांच जो वर्ड है इसमें जो भी लेटर है, ठीक है, इन्हें हमें फर्स्ट अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन ग्रुप्स ऑफ लेटर सो फॉर्म्ड, उसके बाद जो लेटर फॉर्म होगा उसे फिर से रीअरेंज करना है डिक्शनरी जैसे अरेंज होता है उस हिसाब में. तो पहले चलो हम लोग इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं. तो बताओ, फर्स्ट वर्ड है रोड, रोड को पहले हम लोग अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. फर्स्ट वर्ड है रोड, रोड को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. अच्छा, सेकेंड वर्ड है डिफ, डिफ को भी अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. तुम लोग सोचते रहो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं तब तक. कोट, लैक और मीट, फर्स्ट बोला है अल्फाबेटिकली अरेंज करो, मतलब ए से जेड के तरफ, ठीक है. तो बताओ अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, आर ओ ए डी, सबसे पहले कौन सा वर्ड आ जाएगा, ए, ए, उसके बाद डी, डी, उसके बाद ओ और आर, आर. अच्छा, अब ये बता दो डिफ, तो ए है ना, ए बी सी डी ई एफ. अच्छा, इसका बता दो कोड, सी, डी, ई, ओ. अच्छा, लैक, ए, सी, हाँ, उसके बाद के, एल, और ये है मीट, डबल ई है, हाँ, ये डबल ई है मीट. तो ई, फिर से ई है ना, ई, ई, एम और टी. तो ये हो गया अल्फाबेटिकल, देखो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन द ग्रुप ऑफ लेटर सो फॉर्म्ड, जो लेटर बन, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स बना, आर रीअरेंज्ड, फिर से अरेंज करो एज इन अ डिक्शनरी, ठीक है, जैसे डिक्शनरी में होता है. अब बोल रहा है जब अरेंज कर लेंगे डिक्शनरी के हिसाब से, विच वर्ड वुड हैव इट्स ग्रुप ऑफ लेटर इन द मिडिल अमंग फाइव, पांच के मिडिल में कौन सा आएगा. चलो पहले हम लोग इसे अब डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे. ये जो बन गया पांच वर्ड, इसको डिक्शनरी के हिसाब से हम लोग को अरेंज करना है, ये वर्ड को अरेंज करना है. तो बताओ सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए वाला वर्ड आना चाहिए, ए का तीन कन्फ्यूजन है, एक ए डी है, ए डी है, ए सी है. तो बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा, A C K L, हो गया, ये चला गया. अच्छा, अब दो बचा क्या, A D A D, अब A D, अच्छा ये O है, ये E है, डिक्शनरी के हिसाब से कौन आएगा आगे, A B C D E, A D E F वाला आएगा, है ना, ये चला गया. फिर डिक्शनरी के हिसाब से A D O F आ जाएगा, तो A वाला सारा किस्सा खत्म. अच्छा, अब कौन सा आ जाएगा, ये C है, ये E है, अब C वाला लिखेंगे C D E O और E E M T, ठीक है, E E M T. तो बताओ पांच में मिडिल में कौन है, पांच वर्ड में मिडिल में कौन है,
बताओ मिडिल में कौन है, एक दो तीन चार पांच, मिडिल में कौन है? ये तो मिडिल है ना, ये है ना मिडिल में, बोलो समझ में आया? ए डी ओ एफ मिडिल में हुआ, ए डी ओ एफ मिडिल में हुआ ना, तो अब आंसर लेकिन एग्जैक्ट वर्ड की तरह होता ए डी ओ आर हो बे तो रोट से लो ए डी ओ आर हो बे ना, अच्छा अच्छा सॉरी एफ लिखे दिए ठीक है ठीक है ए डी ओ आर, अच्छा ए डी ओ आर रोड चिलो तो अच्छा हाँ, तो मिडिल में कौन सा वर्ड हो जाएगा? ए डी ओ आर मतलब रोड, ठीक है तो रोड, तो ऑप्शन ए रोड यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा आंसर, हाँ ऑप्शन ए रोड, ठीक है। तो देखो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो यहाँ से देखो आज इतना ही करेंगे, एक बार बता देते फिर से। देखो एनालॉजी किया हम लोगों ने, जहाँ पर रिलेशन के साथ हमें समझना पड़ता है कि क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए देंगे क्योंकि तुम लोग का बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है सबसे थोड़ा थोड़ा पूछते रहता है, एक ही टॉपिक में रहने से नहीं होगा, फिर हम लोग जब टेस्ट वगैरह अरेंज करेंगे तो तुम लोग देखना कि कितने टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है वहाँ पर मिक्सडअप रहेगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यहाँ से हम लोगों ने ये गैप वाला सीखा जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसमें प्रैक्टिस ही मेन है, ये जो अल्फाबेटिकल टेस्ट है ना इसमें लेकिन प्रैक्टिस मेन है, इसमें उतना लॉजिक का बात नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो ए से जेड होता है उसी को बेस करके हमें करना है, तो ये प्रैक्टिस बहुत मांगेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेटर गैप और यहाँ पर वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये दो चीज हम लोगों ने किया। नेक्स्ट दिन हम लोग ये दो चीज करेंगे, ठीक है, और ये सबका होमवर्क देंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में होमवर्क और ये दोनों चीज सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।